Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. So friends, आज मैं बहुत ही ज़्यादा exciting mood में हूँ यार. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा exciting mood क्या आ गया मेरे अंदर. मैं exciting mood होने के साथ साथ यार childish mood में भी हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं donuts बनाने वाली हूँ. तो friends, आप सोच रहे होंगे यार donuts बनाना कौन सा बच्चों वाला काम है. donuts बनाना तो बहुत ही ज़्यादा difficult काम होता है. लेकिन यार इस donut को मैं किसी मैदे और किसी आइटम से नहीं बनाने वाली हूँ. आज मैं इस donut को यार सुपर डुपर क्ले से बनाने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स, आज मैं सुपर डुपर क्ले से donuts बनाने वाली हूँ. तो यार फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग क्ले लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है एंड इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. एंड ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है एंड आप मार्केट से आराम से खरीद सकते हो. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुपर डुपर क्ले के मज़े दिखाने वाली हूँ. तो आज मैं सुपर डुपर क्ले से कुछ एक्साइटिंग करने वाली हूँ. तो आज हम सुपर डुपर क्ले से डोनट बनाएंगे पर खाएंगे नहीं. तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइस. अगर नहीं किया है तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर दो. तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने सुपर डुपर मोड में सुपर डुपर क्ले से कुछ सुपर डिजाइन बनाते हैं. तो आज हम सुपर डोनट्स बनाते हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो. तो हम अपना समय खराब ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़े. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज क्ले की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. तो ये हमारा सुपर सा सुपर क्ले है. तो आप देख सकते हो इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है. तो वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट है एंड समझ में ही नहीं आता यार हाथ में पकड़ा भी है या नहीं. तो चलो सबसे पहले हम डोनट्स की तैयारी कर लेते हैं. तो डोनट्स बनाने के लिए मैंने दो कलर्स को मिक्स कर लिया है, स्किन कलर एंड ब्राउन कलर. तो अब मैं दोनों को मिक्स करके यार जल्दी जल्दी पेड़े बना लूँगी. तो हम फटाफट पेड़े तैयार कर लेते हैं. एंड यार जब तक हम पेड़े तैयार कर रहे हैं, तब से आप ये बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, आपको कौन से डोनट्स पसंद हैं. मुझे तो चॉकलेट वाला बहुत पसंद है. आपको कौन सा पसंद है यार जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ. यार डोनट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रियल के डोनट्स हैं यार. ऐसा लग रहा है जैसे खा लें इसे. आज मैं सोच रही हूँ आज इसी को ही खा लेते हैं. लेकिन यार कैसे खाएंगे, क्योंकि ये तो नकली वाला है ना. कोई बात नहीं, हम बाज़ार से ऑर्डर कर लेंगे एंड बाज़ार से एक चॉकलेट वाला डोनट्स मैं आज मंगवाने वाली हूँ. एंड आज हम पार्टी करने वाले हैं यार. तो ये देखो मेरे कितने सुंदर ब्यूटीफुल डोनट्स बन रहे हैं, पर्पल, पिंक, ब्लू, येलो, रेड. तो मैंने हर कलर के डोनट्स बना डाले हैं यार जल्दी जल्दी. तो आपको ये डोनट कैसे लग रहे हैं यार बताना कमेंट बॉक्स में. तो अब हमने डोनट्स की लेयर लगा दी है एंड अब हमारी बारी है इस पर टिप टॉप करने की, मतलब अब हम इसे डेकोरेट करेंगे. तो मैंने वाइट कलर फटाफट उठा लिया है अपने पिटारे में से एंड अब मैंने उसमें टिप टॉप करना स्टार्ट कर दिया है. तो मैं फटाफट वाइट डॉट लगा दूंगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है यार. मुझे तो लगता है कि आज मैं इन डोनट्स को खा लूँगी, खा लूँगी, खा लूँगी, खा लूँगी भाई, खा लूँगी. अरे वाह यार, क्या गजब का डिज़ाइन लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अलग अलग फ्लेवर के डोनट्स पड़े हुए हैं एंड आई वॉन्ट टू ईट डैम यार. तो यार बताना कि ये डोनट कैसे लग रहे हैं. बाय द वे, मुझे याद आ रहा है यार, मैं जब छोटी थी तो मैं मीठी मीठी ब्रेड खाती थी. वो डेली केक टाइप ब्रेड आती थी. अगर आपने भी खाया हो तो यार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी यार. और बताना कि आपको और क्या क्या पसंद है खाने में. एंड ब्रेड, आपने मीठी ब्रेड भी खाई है. हमने मीठी पाव भी पहले मिलती थी मार्केट में यार, वो भी मैंने बहुत खाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ करती थी. जब मैं छोटी थी तो यार डोनट्स वगैरह इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ करते थे मार्केट में. तो मैं ना क्या करती थी कि रोटी में ही चीनी लगा के खा लिया करती थी. क्या आपने भी इस तरह से खाया है? अगर खाया है तो यार ज़रूर बताना, क्योंकि ये सब यादें यार कभी दिमाग से जाती नहीं है. ये यादें बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी यादें हैं. तो आई लव दिस यादें यार. बचपन की यादें तो आती ही रहेंगी यार, बचपन की बात ही कुछ और थी. तो फ्रेंड्स, आप ये बताना कि आपको ये डोनट अच्छा लग रहा है, इसकी डिज़ाइन कैसे लग रही है. तो अब मैं इसको सुंदर बनाने के लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर दे रही हूँ, ताकि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे. मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग करने वाली हूँ आज. मैं इसमें भर भर के डिटेलिंग करूँगी. ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, क्यूट.
तो फ्रेंड्स, हमारा सुपर डुपर क्ले से जो डोनट्स बनाने का आइडिया था वो मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। तो आज मैं आपको बताती हूँ यार कि सुपर डुपर क्ले से मैंने आज सुपर डुपर डोनट्स कैसे बनाए हैं। तो आज मैंने रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे एंड इतने ज़्यादा सुंदर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा मन कर रहा है यार मैं खा लूँ। मैंने ये सबको दिखाया अपने घर में एंड सबको लग रहा था कि यार ये रियल डोनट्स हैं क्या ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यार। तो आप देख लो कि मैंने ये डोनट्स जो बनाए हैं, क्या आपको ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरा एक्साइटिंग सुपर डुपर आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार। मुझे लग रहा है गिर जाएगा एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे खा लूँ यार। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आप देख सकते हो इतना छोटू सा है, आप इसको कहीं भी सजा सकते हो, ये डेकोरेशन के पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यार आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा सुपर डुपर क्ले का आइडिया? तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ सुपर डुपर आइडिया के साथ। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।